आज मैं हूँ द्रास में, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ, एंड आई एम विद दिस अमेजिंग टीम हु इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू सेव हिमालयन ब्राउन बेयर, जिसकी लड़ाई चल रही है हम इंसानों के साथ. लेट मी टेल यू देयर स्टोरी. When you reach the beautiful Mushko Valley of Dras, यहाँ के stunning green pastures और Dras River welcomes you with open arms. बहुत मुश्किल है ये इमेजिन करना कि दिस प्लेस वॉज द बैटल फील्ड फॉर द कारगिल वॉर. वो लड़ाई तो भारत ने जीत ली, पर यहाँ एक अजीब वॉर चल रहा है बिटवीन अस ह्यूमंस एंड द हिमालयन ब्राउन बेयर्स. हिमालयन ब्राउन बेयर्स आर द सब स्पीशीज ऑफ ब्राउन बेयर, और बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं. दीज मैग्निफिसेंट क्रीचर्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड द एस्टिमेट इज कि ओनली 500 टू 700 ऑफ देम आर लेफ्ट इन इंडिया. पर इन भालुओं का इंसानों से क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये जानने के लिए आई विजिटेड द विलेजेस दैट आर राइट नेक्स्ट टू द होम ऑफ द बेयर्स इन दीज हिल्स. बिल्कुल सामने ही ये भालू रहते हैं, एंड इस गांव का माहौल कुछ अलग ही था. काफी सारे घरों के बाहर गवर्नमेंट के दिए हुए वायर मेश लगे हुए थे टू कीप द बेयर अवे फ्रॉम एंटरिंग एंड ईटिंग देयर लाइफ स्टॉक. कहीं पे डब्बे लटके हुए थे दैट वर्क एज एन अलार्म एट नाइट व्हेन द बेयर ट्राइज टू एंटर थ्रू द विंडोज. पर लोकल्स का कहना है कि इन सब से भी भालू रुकता नहीं है. पहले आया था यहाँ पे आपके पास? आता है. नहीं, आपके इधर अटैक किया? अटैक किया है ना, दो बार किया. अच्छा. दही खाया, घी खाया, घी खाया, खिलाया, दूध खाया, सब गिरा दिया, ये तार शार सब तबाह किया, खिड़की उखाड़ा, खिड़की सब तोड़ दिया. जी, मैं ये पूरा खोद के इधर नीचे लाए थे. क्योंकि बेयर इज नॉक्टर्नल एंड ये जानवरों को खाने के लिए रात को ही आता है, विलेजर्स हैव इवन ट्राइड डिप्लॉइंग नाइट फॉक्स लाइट्स टू कीप द बेयर अवे. अगेन, नन ऑफ दीज ट्रिक्स वर्क 100%. ये बेयर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड ये ऑलवेज फाइंड अ वे. मैंने कुछ विलेजर्स से पूछा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. बेड़ू तो बिल्कुल नहीं रख सकता, और मुर्गे रखेंगे तो ऊपर कहीं दो मंजिल तीन मंजिल आदमी की तो बात छोड़ो. अगर रात को कोई बंदा बाहर निकल जाएगा, कोई हमारे पास सपोर्ट है ही नहीं. तोड़ फोड़ दरवाजे खिड़कियां, कोई जाली उठा के किसी का अंदर खाना सब दिखाता है, चावल इधर से उधर, तेल कहीं से कहीं करता है. ये घर से निकल गया तो उस घर में अंदर घुसता है, इस घर में देखने तक तो उधर एक दरवाज़ा खुला करके अंदर नुकसान करता है. अब मुर्गा भी लोग रखना नहीं चाहते हैं. जानवर तो पहाड़ में रहता था, आज तक आज तो घर घर में आने लगा. हमारे घर में आके हमारे बेड़ू 5-6 खाया, वो गाय का बच्चा खाया. घोड़ा गाय खाता है सर, उसके लिए हम फिर होशियारी करते हैं, अपना होशियारी करते हैं. हम रात को थोड़ा रखवाली करते हैं, उठ के बैठते हैं. हम तो अपनी जब हमें नींद खुलती है तो दाएं बाएं देखते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिस्क्स एंड चैलेंजेस, गांव वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी बना हुआ है. आंगन में आकर के पर सर, हमारा ये इधर ही एक कमरा था, उसके अंदर आया था, मैं और बीबी सो करके था, थोड़ा सा बचा गया. हाँ, थोड़ा सा बच गया. तब हाथ में कुछ नहीं आया, हाथ हुआ बोलने से हाथ में वो मारने वाला झाड़ू हाथ में आया. मैं और एक बूढ़ी दोनों को खाया था इसने, खुदा ने बचा लिया. इसीलिए हमको रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ घर घर में या जाली या वो पटाखे देते हैं. पटाखे तो ये लोग बिल्कुल ग्रैंड ही नहीं करते. छोड़ो यार, चुप थे भाई, छुस्तन. Although इस सब में आज तक किसी भी ह्यूमन की जान नहीं गई, but there have been incidences where the bears have been poisoned or killed by throwing stones and falling off the cliff. I then asked the villagers कि क्या हम इंसानों की इसमें कुछ गलती है, and the answers were as expected. नहीं सर, इंसानों की कोई गलती नहीं. ये तो आजकल क्या हो गया, ये मतलब YouTube में कम से कम इसने खड्डू में जाके खाना शाना मिला इसको, मतलब उधर खाना ज़्यादा मिला, उसके बदौलत हमारे मकान भी उखाड़ने लगा. तो इंसान का तो गलती कहाँ होगा जनाब, मगर ये तो इसके लिए क्या कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने कुछ बंदोबस्त किया तो कर सकता है ना. आपके हाथ में कुछ है ना हमारे हाथ में कुछ है, ये तो गवर्नमेंट खुद सवाल करके गवर्नमेंट कुछ तवज्जो देना चाहिए इसके लिए तो. बट व्हाट इज द रियल इशू? Why are these animals that are almost 80% vegetarian risking their lives and coming to villages to eat the animals? जो एरिया जिस एरिया में हम लोग हैं, पूरा LOC के आसपास है, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, ये किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं आता है। तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ नॉर्म्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे गार्बेज पिट्स ऐसे बने हुए हैं जो बहुत सारे आर्मी कैंप्स हैं वहाँ पे गार्बेज पिट्स हैं, जो गांव का जो सारा कचरा है, टाउन का कचरा है, सारा एक जगह पे जाता है। तो भालू नॉर्मली वहाँ पे रात को स्कैवेंज करने पहुँच जाता है। तो ये एक काफ़ी मेजर रीज़न है जिसकी वजह से भालू बहुत ह्यूमन हैबिटेशंस में आने के आदि हो गए। और जो इसका पूरा हैबिटेट है, जो पहाड़ देख रहे हैं आप आसपास, इनमें समर्स में शेपर्ड्स आके रहने लगते हैं, जहाँ पे उनके 1000-2000 की तादाद में जो माल मवेशी इनके यहाँ घूमते हैं। तो वो भालू का जो मेन नेचुरल हैबिटेट में जो उसका खाना है वो सारा कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसके चलते उनको वो मजबूर हो जाते हैं कि गांव में आके वो जो है लाइफ स्टॉक को यू नो डेप्रेडेट करें। बट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आजकल विलेजर्स इस भालू को अपना दोस्त समझने लगे हैं एंड नॉट एन एनिमी। एंड इसका काफ़ी बड़ा क्रेडिट जाता है टू दिस टीम हु हैज बिल्ट ब्यूटिफुल रेनमो लॉज हियर एंड आर प्रमोटिंग बेयर टूरिज्म। आई सजेस्ट एवरीवन टू एक्सपीरियंस दिस वंस एंड वॉच दीज मैग्निफिसेंट क्रीचर्स लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इट इज नथिंग लेस देन मैजिकल। बाय द वे 10% ऑफ द प्रॉफिट्स गो टू द कंजर्वेशन ऑफ दीज बेयर्स। This dedicated team conducts workshops for the villagers and उनको समझाते हैं भालू के behavior के बारे में। They distribute flashlights and other stuff to the villagers for safety and do regular programs with the children in schools to create awareness। हमसे हुई है गलती, पर माफ कर दे ए धरती, पर माफ कर दे ए धरती, मिलकर रहेंगे पेड़ पौधों के साथ, मिलकर रहेंगे पेड़ पौधों के साथ, आज से होगी ये नई शुरुआत, आज से होगी ये नई शुरुआत। हम इंसान क्रूअल जरूर हैं, पर कुछ लोगों की इंसानियत ही है विच इज अ रे ऑफ होप फॉर दीज हिमालयन ब्राउन बेयर्स एंड आवर मदर नेचर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम उनके बिना कुछ नहीं है, वो हमारे बिना कुछ नहीं है। अगर हम उनके साथ हम उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे तो इन रिटर्न हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें और उनका एक अच्छा रिलेशन होना अटमोस्ट है। अगर प्रॉब्लम हमारी क्रिएट की हुई है तो सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। सो शेयर द स्टोरी ऑफ द ब्राउन बेयर्स, हेल्प क्रिएट अवेयरनेस एंड हेल्प सेव देम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियां ऑलवेज। आज मैं हूँ द्रास में, द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इनहैबिटेड प्लेस में। सो हेल्प सेव दीज बियर, शेयर दिस वीडियो, राइट बियर बोल रहा हूँ, शेयर दिस वीडियो वीडियो एंड आई एम विद दिस अमेजिंग टीम हु इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू सेव द ब्राउन हिमालयन बियर।